Now, जब जी नाउ देख, इज देर एनी ऑप्शन टू शेयर नाउ? यस, चाहत, वृत्ति, नवकरण, जानवी, अवधि, रिदम। कल शेयर कर दिया था। आपने कल शेयर कर दिया था? यस। ओके, एनीबडी एल्स? किसी और ने क्रिएट किया है? रिदम, तुषार, सोमल, सार्थक? मैम मेरे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, सोमल, सार्थक, एनीबडी हैड क्रिएटेड? मैम मेरे पास भी नहीं है। ओके ओके, यू विल शो ऑन मंडे। यू डाउनलोडेड ओनली असेस, ईशान, और कंप्लीट एमएस ऑफिस पैकेज? यस ईशान, what you had downloaded, unmute yourself. Ma'am, I downloaded package na, ms office package. Okay, what was the size, which version did you download? Ma'am, that I don't know because I told my father to download. Okay, because I have that sign in package, that is why I told to download. Okay, ठीक है, no problem. आपका डाउनलोड हो गया है? Yes. मैम मोबाइल में भी है MSS का, गूगल में। हाँ, आपको वो एंड्रॉइड के एप्स मिलते हैं, मे बी, आई डिडंट ट्राई, मे बी उनमें सारे फीचर्स नहीं होंगे। इफ यू वॉन्ट टू ट्राई, यू कैन ट्राई, यू कैन टेल अस, यू कैन एनलाइटन अस अबाउट इट, कि कैसा है मोबाइल में यूज होता है, कितने फीचर्स हमने पढ़े हैं, क्या वो सब यूज हो पाएंगे वहां पे के नहीं। ओके, अर्जू, नाइन्थ क्लास, इट्स नॉट योर क्लास बेटा। ओके, शैल वी स्टार्ट? इनफ वेटिंग हैज वी हैड डन ऑलरेडी, मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग, ज्वाइनिंग लेट। ओके, okay, we are going to start with the next chapter, chapter number 4, tables in MS assess. Okay, we had already done the practical portion, that we how to create tables in assess. Okay, we had used a few data types, and you know the meaning of data types now. Data types means the type of data that we can enter in a particular table. Agar suppose I am having many fields in my table, suppose roll number field is there, so if I define the data type as number, so it will restrict me to enter only numbers. If I had a field as a date of birth or date of joining, so I will take the data type as date and time. So there are many data types which will allow us to assign that data type to a particular field, so that we can enter the correct data. We do not make any mistakes in the data entry. If we suppose I am having a field name as a currency value, in which I want to do some calculation also, so whatever numbers we will enter, they will be shown as a currency, like rupees or dollars. So many data types are there which can be used to enter different type of data in the database, in the tables. So it will not give us error. There are less number of chances for the errors in the data entry if we had defined the proper data type. अगर मैंने एक लुकअप विजार्ड सी डाटा टाइप ली है, दैट मींस आई हैड गिवन अ स्पेसिफिक वैल्यूज फ्रॉम व्हिच आई हैव टू यूज, सो आई विल बी एबल टू यूज ओनली दोज वैल्यूज। वी विल रीड ऑल दीज डाटा टाइप्स वन बाय वन, व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड व्हाट आर द साइजेस ऑफ देम। First data type, first of all, underline the definition. A data type determines the type of value a particular field will have. Yes, Manasvi? Ma'am, मैंने देख रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस है।
ओके मैम मेरे कंप्यूटर में लेकिन दिखाई नहीं रहा, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक वन नोट ओके योर एसएस आपके सर्च सर्च में असेस लिख के देखो आ रहा है मे बी या इंस्टॉल करते वक्त असेस की ऑप्शन सेम ऑप्शन जब प्रोफेशनल एडिशन जब इंस्टॉल किया होगा तो उसमें असेस की ऑप्शन या तो सेलेक्ट नहीं करी होगी मैम ये पहले से इंस्टॉल था ना जब मैं लैपटॉप लिया था अपना ओके हाँ फिर आपको करना पड़ेगा वर्जन कौन सा ऑफिस का 2019 या स्टूडेंट एडिशन है वो प्रोफेशनल एडिशन मैम मेरे भी नहीं शो हो रहा मेरा ऑफिस 365 है हाँ तो बेटा वो एडिशन अलग है ना वर्जन चाहे 365 है बट उसमें एडिशन जो है वो होम एडिशन या स्टूडेंट एडिशन होता है जो लैपटॉप में यूजुअली आता है जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड आते हैं प्रोफेशनल एडिशन खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है ठीक है ओके ओके मैम ओके नाउ वी वर डूइंग द डेटा टाइप फर्स्ट डेटा टाइप इज टेक्स्ट डेटा टाइप text data type or practically you had seen the short text the text data type allows you to enter the numbers and the alphabets both the things can be entered in the text data type like in address we need the numbers symbols and text also we need the house number in a numeric values and we need to also need to write the area name in the text so a text data type allows you to enter both the text and the numbers and short text will allow you to enter only up to 255 characters if you are having a value like name father's name address so they will have the value unke andar jab hum values enter karenge that will be up to 255 characters agar aapko lagta hai ki jo field maine liya hai iski data type agar short text lenge but iska data exceed kar raha hai iski values exceed kar rahi hain 255 characters se so then you have to change the data type either to long text that was shown in some versions in some previous versions it was MIMO data type is also will also contain the alphabets and numbers but the range is up to 65,536 characters suppose I'm having a hospital database in which I want to enter the record of patients right in the patient's diagnosis I may have to enter many things many sentences are there many diagnoses or many diseases and treatments options are there so if I had to enter the diagnosis it may be more than 255 characters so in that case we can take the data type as MIMO or long text short text will have up to 255 characters long text or MIMO will have up to 65,536 characters okay Okay, next is number data type that will store the numeric values on which the calculations can also be done. Like we can enter the roll numbers, we can enter the marks in various subjects, we can enter the admission number or patient number, whatever value fields in which I want to enter the numeric values. For that purpose, I will take the data type as number. Okay, and next is date and time we had already used that data type date and time humne already use karke dekhi hai that date and time data type jab bhi hum lete hain so that means in that field I am not able to enter any text any alphabets or anything else I will be able to enter only a valid date so errors of data entry mistake errors in the data entry will be less ठीक है डेट एंड टाइम में हमें प्रॉपर डेट ही डालनी है चाहे वो प्रॉपर फॉर्मेट में डालनी है यू विल नॉट बी एबल टू एंटर की ठीक है मैंने उसमें 100 डाला और आगे चले गए नो इट विल नॉट अलाउ यू टू गो टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड जब तक आप उसमें प्रॉपर डेट नहीं डालोगे सो इट विल रिड्यूस द डेटा एरर चांसेस ओके नेक्स्ट इज ऑटो नंबर व्हेन वी क्रिएट अ टेबल हमने जब भी टेबल क्रिएट किया है तो आपने देखा बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा कि वहां पर आपके पास एक फील्ड बना होता है आईडी जिसमें ऑटोमेटिकली नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे हम रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली एक न्यू नंबर एंटर हो जाता है दैट इज द ऑटो नंबर फील्ड डेटा टाइप इज ऑटो नंबर फॉर एग्जांपल आपने रोल नंबर लेना है
फील्ड. आप नहीं चाहते कि मुझे रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 खुद डालने पड़े या पिछला देखकर नेक्स्ट रोल नंबर डालना पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे डाटा टाइप ऑटो नंबर ले सकते हो. वेन एवर यू टेक द डाटा टाइप एज ऑटो नंबर, यू विल नॉट बी एबल टू गो टू दैट फील्ड. आप उस फील्ड में जाके वैल्यू चेंज कर ही नहीं सकते. उसने ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर लेना है वेन एवर वी आर गोइंग टू एंटर द नेक्स्ट रिकॉर्ड. जब भी हम न्यू एंट्री कर रहे हैं, न्यू रिकॉर्ड की एंट्री कर रहे हैं, दैट विल क्रिएट अ न्यू नंबर. ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर विल बी टेकन. सो ऑटो नंबर फील्ड कैन बी टेकन फॉर एनी फील्ड. इट कैन बी टेकन फॉर एनी फील्ड. जरूरी नहीं है कि जो पहला वाला फील्ड है टेबल में वही ऑटो नंबर हो सकता है. इट कुड बी एनी फील्ड इन द टेबल. फील्ड जैसे मैंने सपोज पहला फील्ड एडमिशन नंबर ले लिया है, दूसरा फील्ड रोल नंबर लिया, तो आप सेकंड फील्ड में भी आप ऑटो नंबर डाटा टाइप दे सकते हो. तो दैट मींस यू कैन टेक, इट्स नॉट कंपलसरी कि फर्स्ट फील्ड ही ऑटो नंबर होगा. इट कुड बी एनी फील्ड इन द टेबल. इट कुड बी लास्ट, इट कुड बी थर्ड और एनी फील्ड. ओके, नेक्स्ट इज येस और नो. Yes or no data type allows you to enter only two values. It will give you a field में जहां पर हम values enter करते हैं data sheet view में, वहां पर आपको एक checkbox मिलता है. checkbox में हम या तो tick करेंगे या उसको blank छोड़ेंगे. तो tick करेंगे means yes option, अगर उसको blank छोड़ रहे हैं तो वो no option है. सपोज आई वॉन्ट टू टेक द ऑप्शन फॉर कस्टमर का रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहां पे कस्टमर की ऑप्शन ले रहे हैं, whether you want to take the option for home delivery or not, तो I can take the option. I can leave it blank कि नहीं मुझे home delivery नहीं चाहिए. We can take the option whether you want to opt for the cash payment or credit payment. Then I can take the option cash, yes or no. I can leave it. So field means in which I want to enter only two values, whether yes or whether no. In that particular type of field, I can take the data type as yes no. Okay. Then next is OLE. O L E. Anybody knows the full form of OLE? OLE. Anybody knows the full form of OLE? OLE is Object Linking Embedding. Object Linking Embedding. OBJECT. Object Linking Embedding. EMBEDDING. Object Linking Embedding. Okay, object linking embedding is a type of data which allows you to enter, insert an object from any other application. किसी भी और applications में से हमने एक object वहाँ पे insert करना है. It could be your word document. Suppose मैंने word की file में कुछ data enter किया है, एक particular patient के बारे में details enter करी हैं, या किसी student के बारे में कुछ ऐसी particular report generate करी हुई है जिसे मुझे हर student के सामने insert करना है field में. एक field बना लिया report, तो उस particular student की जो हर साल की report है वो हमने generate करके रखी है, वो word file मुझे हर student के name के सामने add करनी है. तो for that particular purpose I can use the OLE field. OLE data type. In the field which will have the OLE data type that will allow you to insert objects from any other. Yes, attendance report can be there. We can insert the objects from any other application. It could be Word. It could be Excel. जैसे Excel में अगर आपने attendance लेके रखी है, तो आप attendance उस बच्चे की, उस student की पूरी attendance date wise अलग से वो as a file बना के उस field में insert कर सकते हैं. तो जब भी मुझे वो file देखनी है, I can click on that field and we can see the detail attendance of that particular student. Okay? तो we can insert the objects from. It could have the photograph of the student also. It could have the any file, Excel file or any other Word file also. ठीक है, any object from outside application. Assess के अलावा किसी और applications में से आपने एक file insert करनी है Assess के field में, that is used for OLE object. Next is hyperlink. Hyperlink is used to insert the. What is hyperlink first of all? Unmute yourself. Yes, Arshita, what is hyperlink? Ma'am, web pages, datas.
That has web pages. Okay, anybody else? Kritika, what is hyperlink? Okay, correct, Japuji. HTTPS. HTTPS, no. Yes, Kritika, what is hyperlink? Ma'am? Yes. Ma'am, it stores link to web page. Correct. It is a link to another web page or website. Any link to another web page or website that is called a hyperlink. Usually shown in blue color. आपके underline हुआ होता है जहाँ पे आप pointer लेके जाते हो, click करते हो, handshape आती है. अब click करते हो, वो next page open होता है. That means it is having the address of another web page or website. It could be the link for any file also. Either on your computer or on internet or networking also. Ma'am, her link blue color center mein hota hai. Yes, hyperlink usually blue color mein hote hain. You can have a field in the table jahan par aap har record mein ek ek link insert kar sakte ho. You can insert a link to any file or any web page in front of each record. Next is lookup wizard. Ma'am, yes. Ma'am, what is the meaning of OLE? OLE. Object linking and embedding. That means to insert an object from any other application instead of assess. Assess mein kisi aur application ka koi object insert karna hai. Like mujhe word ka koi document insert karna hai ya excel ki koi worksheet insert karni hai, powerpoint mein se koi slide leni hai ya aapko koi picture insert karni hai. Any object that you want to insert in front of a field. Har record mein, ek record, aapka ek table mein column hai, photograph. So that means aapko us column mein har ek student ki ya har ek employee ki photograph lagani hai. To photo lagane ke liye ya picture lagane ke liye aapko ek object, wo outside object hai. You can use the OLE data type, you can use the attachment data type. Both are there. But there is a difference between both. Okay, both the data types are there. You can use that data type to insert the picture. You can use that data type to insert the Word document that will explain the each student. That will have the report for each employee. Okay. So next is lookup wizard. This is very interesting data type. And you will enjoy by using it. For example, आप student का record बना रहे हो. अपने school के एक example लेते हैं. You are having an optional subjects like art, craft or music, right? मुझे हर student के आगे लिखना है, record में entry करनी है कि whether this student is opting for art, craft or music. So that means I'm having only three options out of which one option should be choose. Yes, clubs can be there. कि which club student is from which club. So there are clubs are there, there may be 5 or 6 clubs are there. In employees department, suppose in an office, there are 5 departments, accounts department, marketing, sales, purchase, and administration. So each employee will relate to any one of these departments only. The field in which I want to enter the values only out of 5-6 options. Mere paas options hai, isi mein se hi entry karni hai. For that data type, for that field, I will take the lookup wizard. In lookup wizard, I will create the list of values. That list of values at the design time. At the design time, in the design of the table. Okay? Design view mein, aap lookup wizard value data type loge. Then it will ask you the values. Ki kaun si values enter karni hai. Then you will give the values. And when you data entry karenge data sheet view mein, to it will give you a combo box from which you can select the values like this. I'm showing you. Okay? यहाँ पर मैं आपको employees का ये data sheet view दिखा रही हूँ. यहाँ पर देखो department. ये department number का field है. Is it visible? Okay. This is the department number field. I can click here, choose the value. I'm having only 5 department numbers. So I'm giving the values from out of these only. That means I will not be able to enter any wrong department. कि मुझे इसी में से values लेनी है, तो that means I will choose a 5 इन्हीं में से value लेनी है. I cannot enter any other wrong value. ठीक है? Clear? This is the lookup wizard, जिसको हम design view में setup करेंगे पहले.
ओके क्लियर है. ओके नेक्स्ट इज योर अटैचमेंट. अटैचमेंट मीन जैसे हम ईमेल मैसेजेस करते हैं तो साथ में अटैचमेंट सेंड करते हैं, या आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हो कई बार अटैचमेंट्स सेंड करते हैं. तो अटैचमेंट्स मीन्स एनी फाइल, एनी डॉक्यूमेंट. इट कुड बी वर्ड फाइल, स्प्रेडशीट फाइल, इमेज फाइल एंड चार्ट्स एंड अदर टाइप ऑफ फाइल्स दैट यू वांट टू अटैच. सो इन ऑल ए ऑब्जेक्ट देयर इज अ लिमिट टू द डाटा अप टू 2 GB. And you can insert only one object. All object में जब आप object insert करते हो, it will be inserted inside the object table, and it will increase the size of table also. जितना object insert करते जाएंगे, उतना objects का size table के size में add होता जाएगा. Attachment also allows you to attach the files, and it will allow you to attach more than one file. You can attach more than one files in the attachment data type. आप एक से ज्यादा फाइल्स को अटैच कर सकते हो. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको एक देखो फील्ड नजर आ रहा है फोटो. इस फील्ड में आपके पास ये देखो नीचे सिंबल अटैचमेंट का सिंबल नजर आ रहा है. कईयों के साथ 0 लिखा है, कईयों के साथ 1 लिखा है. इज इट विजिबल? ओके, जहां 0 लिखा है तो दैट मीन्स यहाँ कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई फाइल नहीं है. जहां पर 1 लिखा है दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास एक एक फाइल एड हुई है. सो यहाँ पर आपको वो फाइल नजर नहीं आ रही है, आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके फाइल को ऐड कर सकते हो. ठीक है, ये आपके पास अटैचमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. आप ऐड करोगे फाइल, सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कौन सी फाइल ऐड करनी है. आई कैन चूज द फाइल एंड वी कैन क्लिक ऑन ओके. तो दैट फाइल विल बी एडेड. नाउ हाउ टू व्यू दैट फाइल. अब ये फाइल बड़ी है, फोटोग्राफ है, नजर नहीं आ रही है फील्ड के अंदर, सेल के अंदर तो फोटोग्राफ नजर नहीं आ रही है. आई कैन व्यू दिस फाइल इन माय फॉर्म्स लाइक दिस. फॉर्म लिया, फॉर्म में देखो डिपार्टमेंट नंबर के साथ वैसे ही आपके पास लिस्ट आ रही है, एंड यहाँ पर जो अटैचमेंट हमने करी थी वो फोटोग्राफ नजर आ रही है. ठीक है, आई कैन गो टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड दैट इट विल शो मी द नेक्स्ट फोटो. Then next record, यहाँ कोई attachment नहीं है. Next, 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 I can give attachments from here also. Okay? जब new entry करेंगे तो हम यहाँ पर attachments दे सकते हैं. Manage attachments, add. ठीक है? Then I can select the add department numbers from here also. Okay? हाँ जी, क्लियर है? ओके, यस मैम. ओके जी, ओके. नेक्स्ट डेटा टाइप इज कैलकुलेटेड. दिस इज आल्सो वेरी यूजेबल, यूजफुल डेटा टाइप. हाउ? आई क्रिएटेड वन टेबल यस्टरडे इन विच आई हैड एंटर्ड द फील्ड नेम्स एज इंग्लिश, मैथ, साइंस. रोल नंबर के आगे हमने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं. एंड लास्ट कॉलम इज टोटल. जैसे हम एक्सेल में टोटल करते हैं, वी यूज टू पुट सम फॉर्मूला एंड फंक्शन देयर टू डू द कैलकुलेशन. सिमिलरली आई कैन हैव द लास्ट फील्ड नेम एज टोटल एंड नेक्स्ट फील्ड नेम एज परसेंटेज, एंड आई कैन पुट द फॉर्मूलाज एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द टेबल इन द डिजाइन व्यू कि वट फॉर्मूला शुड बी यूज एंड वट कॉलम्स विल बी एडेड और वट कॉलम्स विल बी हैव अनदर कैलकुलेशन लाइक डिविजन और मल्टीप्लीकेशन. तो आई कैन गिव द कैलकुलेशन इफ आई टेक द कैलकुलेटेड एज अ फील्ड. तो जैसे जैसे मैं डाटा एंट्री करूंगी, जैसे एक्सेल में डाटा एंट्री करते हैं, नंबर्स ऐड करते हैं, टोटल होता जाता है साथ साथ. सिमिलरली यहाँ भी आप अपने जैसे कॉलम्स में, फील्ड्स में डाटा एंट्री करोगे, मार्क्स एंटर करोगे डिफरेंट स्टूडेंट्स के, सब्जेक्ट्स के, देन ऑटोमेटिकली टोटल फील्ड विल हैव द टोटल ऑफ दोज मार्क्स इफ आई हैड टेकन द डाटा टाइप एज कैलकुलेटेड एंड हैड यूज्ड द फॉर्मूला, डिफाइंड द फॉर्मूला एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग. ओके, लास्ट इज रिच टेक्स्ट. रिच टेक्स्ट इज अ फील्ड नेम, रेयरली यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता. इसमें भी आप टेक्स्ट ही एंटर करोगे, नंबर्स एंड टेक्स्ट बोथ कैन बी एंटर्ड, बट द ओनली थिंग इज यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट हियर. आप यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कलर्स वगैरह चेंज करना, फॉन्ट कंट्रोल जैसे हमारे होते हैं, फॉन्ट चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, दैट यू कैन डू इन द रिच टेक्स्ट फील्ड. ओके, ऑल द डेटा टाइप्स डन. शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर. लॉन्ग टेक्स्ट की जगह बुक में यहाँ पे मीमो दिया हुआ है. प्रैक्टिकली हमने कुछ वर्जन में देखा है कि देयर इज अ लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप इज देयर. टेक्स्ट ऑप्शन इज यहाँ दी हुई है,
प्रैक्टिकली आपने देखा वहां पे शॉर्ट टेक्स्ट दी हुई है, डेट एंड टाइम, ऑटो नंबर, यस नो, हाइपरलिंक, लुकअप विजार्ड, अटैचमेंट्स, कैलकुलेटेड एंड रिच टेक्स्ट. All the data types are given, explained, and a few data types are given the size also. Ki which size, maximum size kitna. Jaise text mein aap maximum 255 characters. Jab ji MIMO data type is a long text, jahan par hamara short text mein data complete nahi aata, values zyada hai, values ki length zyada hai, then we can use the short long text or MIMO data type. पुराने वर्जन में मीमो डाटा टाइप है जहां पर हम अप टू 65,536 लेटर्स ले सकते हैं, कैरेक्टर्स ले सकते हैं. ओके ओके, नाउ कम टू द टेस्ट. जो टेस्ट आपका कल हुआ है, एवरीबडी हैड परफॉर्म्ड, एवरीबडी हैड सबमिटेड देयर रिस्पांस. ठीक है, ओके, वाज इट इजी, अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया, स्कोर आपको मिल गए हैं एंड द करेक्ट आंसर्स आपको मिल गए हैं. ओके, इवन देन वंस वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन आंसर्स इन द क्लास आल्सो, आई विल शेयर द दैट क्वेश्चन आंसर्स, दैट फॉर्म ऑफ द पेपर. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई पेपर को ओपन करने में या फॉर्म को ओपन करने में, कि लॉग इन मांग रहा है या लॉग इन नहीं हो रहा है या आपके पास आ नहीं रहा है, फॉर्म खुल नहीं रहा है, ऐसी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? सबका ओपन हो गया था इजीली? ओके, ओके, आई हैड ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड. हाँ जी, फॉर्म आपका ऐसे ओपन होता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू एंटर द एडमिशन नंबर, वैलिड एडमिशन नंबर. ठीक है, देन योर रोल नंबर, नेम, एंड देन चूज द सेक्शन. ठीक है, आप क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, मेनी क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस वर देयर. व्हिच कंप्यूटर नेटवर्क इज क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, व्हाट इज द आंसर? पैन. ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ टू गिव आंसर. यस, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज अ नेटवर्क दैट बीन क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल पर्सन. सक्षम, व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड सक्षम? Which type of network architecture is most suitable when a few number of computers having similar power and capacity are to be networked together? Peer to peer. Correct. Peer to peer. What do we call the certain set of rules that determine how data should be transferred over network? Protocol. Okay. Protocol. Bus. What do we call the computers that are connected to server? Node. Which device connects a wireless communication devices to form a wireless network? Web. Full form of app. Wireless access point. Okay. Wi-Fi stands for? Wireless fidelity. Okay. Dash act as a central point for connection of all the computers on a network. Hub is the central point through which all the computers are connected. Dash is a wireless technology used to interconnect mobile phones, computers using a short range wireless connection. Bluetooth. Correct. Bluetooth. Okay, next is, which type of network spread across a city? Man. Metropolitan area network. Okay, metropolitan area network. Dash security means protecting data and resources. Network security. Okay. Manasvi, mute yourself. Okay, now rest of you. Which of the following is not a type of network? RAN.
RAN. Local area network, metropolitan area network, and personal area network is okay. And now it's a RAN, which is not a type of network. Okay, which of the following is a component for networking? Both A and B. Networking cable. Both A and B. Okay. Now, in which type of security users are given a unique login name and password? Login security. Okay. Login security. Okay. Full form of DSL. Digital subscriber line. Which of the following is the advantage of networking? All of these. And you can click on submit. Okay. When you click on submit, you will get this score. Your response has been recorded. View score. Agar aap view score pe click karenge, then you will see the score, total points, and you will also see the correct answers. And if there is a wrong answer will be indicated in red color, and the correct answer will be indicated ki yahan par correct kya aana tha. Theek hai? Clear hai? Haanji. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. In the next class, we will continue with the designing and data sheet view in the tables. Okay. And practically, we will try all these data types also. Okay.